दोस्तों 70 साल पहले एयरक्राफ्ट कैरियर पर एयरक्राफ्ट को कैसे लैंड करते थे देखकर आपको लगा होगा शायद इसमें कुछ प्रॉब्लम है। नहीं, इसमें लैंडिंग स्ट्रिप जो होती थी उसे फ्लेक्सिबल बनाया जाता था और एयरक्राफ्ट बाउंड कर रुक जाता था। लेकिन उस टाइम एयरक्राफ्ट हल्के होते थे और आज के एयरक्राफ्ट भारी होते हैं, इसलिए उसमें लैंडिंग गियर दिया जाता है। और जब वो लैंड करने के लिए लैंडिंग स्ट्रिप पे पहुंचते हैं जो कि 1000 मीटर लंबी होती है, उसमें से 500 मीटर पे लैंड किया जा सकता है। उस पर स्टेनलेस स्टील के बहुत हैवी ड्यूटी वायर्स होते हैं जो उसकी टेल पिन में अटक जाते हैं और ऐसे लैंडिंग होती है। दोस्तों इसकी सबसे मज़ेदार बात यह है कि जब लैंडिंग के लिए पायलट एयरक्राफ्ट को लेकर पास आता है लैंडिंग स्ट्रिप के, तो वो फुल थ्रॉटल फुल स्पीड में जाता है ताकि अगर लैंडिंग मिस हो जाए तो वो पानी में जाने की जगह उड़ सकता है।